Hello students, how are you? I hope you all are fine. Now welcome you once again in your science class. In previous video, we have discussed about the sense organs of humans. Now in today, we will discuss about the sense organs in different animals. कि जिस तरह से sense organs हमारी body में होते हैं, इसी तरह से different animals में भी अलग-अलग type के sense organs होते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इंसेक्ट्स. सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इंसेक्ट्स के बारे में. इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोच, हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई, दे हैव फिलर्स. उनके पास क्या होता है? फिलर्स. जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, फिलर वर्ड्स कहाँ से आया है? फील. जो ये फिलर वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम फील. फील मीन्स चीज़ों को महसूस करना. ओके, तो कहता है कि जैसे ये कॉकरोच है, इसके जो एंटीनाज है, जो दिखाया हुआ है, जिसको हम एंटीनाज बोलते हैं, इन एंटीनाज के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फिलर. ओके, इन एंटीनाज के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फिलर्स, या इन्हीं को ही हम क्या देते हैं? फिलर्स भी. ओके, दे हैव फिलर्स ऑन देयर बॉडीज. उनकी बॉडीज के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? ये फिलर्स. और इन्हीं की मदद से ये क्या करते हैं? स्मेल एज वेल एज टेस्ट. अंडरस्टूड? कि कॉकरोच, हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई, ये तीनों फिलर की हेल्प से क्या कर सकते हैं? स्मेल एंड टेस्ट. ओके, लेकिन हमारी जो हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई ये अपनी लेग्स के साथ भी क्या कर सकती है? टेस्ट. क्लियर? फिलर्स तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी लेग्स के साथ भी क्या कर सकती है? टेस्ट. नाउ लुक एट हियर, हेयर इज अनदर इंसेक्ट जिसका नाम है हाउस क्रिकेट. ये भी एक स्मॉल आपका इंसेक्ट होता है, जो ज़्यादातर बारिश के मौसम में मिलता है. ओके, तो ये हाउस क्रिकेट जो है, इट कैन हियर थ्रू देयर लेग्स. ये अपनी लेग्स के जरिए क्या कर सकता है? सुन सकता है. ज़्यादातर इंसेक्ट्स में क्या होते हैं? ईयर प्रेजेंट होते हैं, है ना? ईयर का फंक्शन होता है हियरिंग में हेल्प करना, सुनने में हेल्प करना. बट इन हाउस क्रिकेट द लेग्स हेल्प इन हियरिंग. तो लेग्स जो है वही हेल्प करती हैं किस चीज़ में? हियरिंग में. तो दिस इज अबाउट द इंसेक्ट्स. नाउ नेक्स्ट कम टू द वाटर एनिमल्स. अब वाटर एनिमल्स में मेनली हम किसकी बात करते हैं? फिश की. यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? फिश की. तो हियर इट इज, हियर यू कैन सी अ स्मॉल लाइन ऑन द बॉडी ऑफ द फिश. आपको पतली सी एक लाइन दिखाई दे रही है फिश की बॉडी पे. इट इज कॉल्ड द लेटरल लाइन. इट इज कॉल्ड लेटरल लाइन. ओके, रिमेंबर दिस, इट इज कॉल्ड लेटरल लाइन. और यही जो लेटरल लाइन है वो फिश को हेल्प करती है किस चीज़ में? उसको फील करने में. अब पानी में है तो क्या चीज़ फील करेगी? वेव्स. पानी में अगर आपने कभी भी ध्यान दिया होगा, अगर आप कभी भी पानी में एक पत्थर को अगर आप थ्रो करते हो तो इसमें एक वेव्स पैदा होती हैं. अगर आपने एक छोटा सा पत्थर फेंका तो आपने देखा राउंड राउंड सी वेव्स, उसके है ना वाइब्रेशंस पैदा होती हैं. तो ऐसे ही अगर कभी भी सपोज वाटर के अंदर कोई इस फिश के आसपास कोई दूसरा एनिमल है, ओके, या इसका कोई एनिमी है, या ऐसा कोई दूसरा कोई भी वाटर बॉडी है, वाटर एनिमल है जो इसके आसपास प्रेजेंट है, जब वो वाटर में मूव करते हैं तो क्या होता है? एक तरह की वेव प्रेजेंट होती हैं, एक तरह की वेव्स जो हैं, वाइब्रेशंस जो हैं वाटर में मूव करती हैं. और वही वेव्स जो आपकी वाटर में प्रोड्यूस होती हैं वो इस लेटरल लाइन की हेल्प से फिश क्या करती है? आइडेंटिफाई कर लेती है. क्लियर? फिश कैन फील द वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द वाटर. ये फील कर सकती है वेव्स को थ्रू द लेटरल लाइन. अब चाहे वो इनके एनिमी ने प्रोड्यूस की हो, चाहे कोई वो दूसरा एनिमल हो. क्लियर? तो ये इसको हेल्प करती है. इट दिस हेल्प्स देम टू डिटेक्ट देयर प्रे. इनको इनका खाना, प्रे मीन्स शिकार, जिसको इसने एज अ फूड खाना है, वो हेल्प करती है, उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करती है, एज वेल एज द एनिमी प्रेजेंट अराउंड देम. और उसके आसपास अगर कोई एनिमी भी प्रेजेंट है तो उसको भी आइडेंटिफाई करने में जो ये लेटरल लाइन है वो हमारे वाटर एनिमल्स की हेल्प करती है. ओके, दिस इज अबाउट द वाटर एनिमल. नाउ कम टू द बर्ड्स. बर्ड्स के पास हमारे, उनके पास तो आइज भी हैं,
ओके आईज हैं उनके, ईयर्स भी हैं सेंस ऑर्गन्स की तरह, ओके विच जिसकी वजह आईज के साथ वो देख सकते हैं एंड फील कर सकते हैं, स्किन होती है उनकी भी, स्मेल कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं एंड टेस्ट भी कर सकते हैं. लेकिन इसके अलावा एक स्पेशल फंक्शंस होता है बर्ड्स में, वो क्या, दे कैन मेक डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स. वो अलग अलग तरह की साउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर आपने कभी नोटिस किया हो, लाइक अगर हम लोग भी कई बार क्या करते हैं, सपोज अगर हमारे खासकर हमारे जो शोल्डर हैं हमारे जो शोल्डर्स हैं मीन्स हमारे जो सिपाही हैं, ओके हमारे जो शोल्डर हैं हमारे जो सिपाही हैं, तो वो ये फंक्शन करते हैं जब कभी भी वो कहीं बॉर्डर पे होते हैं, तो अगर हमको कम्युनिकेट करना है तो दे मेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स. हम लोग भी कर लेते हैं कि मैं तुझे इशारा करूँगी, है ना. कई बार हम ऐसे अगर हम कोई गेम खेलते हैं कई बार तो हम इशारा करते हैं कि अगर मैंने ये ऐसे निशान किया तो इट मीन्स इंग्लिश है, ऐसे किया तो इट मीन्स हिंदी है. तो जस्ट लाइक द बर्ड्स, बर्ड्स क्या करते हैं, दे मेक अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स. कब कब करते हैं वो, जब उन्हें किसी अपने, सपोज अगर उन्हें कोई खतरा लगता है आसपास, देन मेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड. वो एक अलग तरह की साउंड निकालते हैं जिससे उनके साथियों को उनके खतरे के बारे में पता लग जाता है. सपोज़ अगर मैं एक बर्ड कहीं पे खाना ढूंढने गया है और उसको लगता है कि बहुत सारा फूड है, तो वो अपने वो एक डिफरेंट टाइप की साउंड्स निकालेगा, तो जिससे उसके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी पता लग जाएगा कि वहाँ पे फूड जो है वो अवेलेबल है. ओके तो इस तरह से वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग टाइप के साउंड्स निकालते हैं, तो जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं. एंड दे फ्लाई इन ग्रुप्स, और वो हमेशा ग्रुप में फ्लाई करते हैं, ग्रुप बना करके उड़ते हैं, कोशिश वो यही करते हैं. जब वो ग्रुप में उड़ते हैं तो दे मेक इंटरेस्टिंग शेप्स, तो वो अलग अलग शेप्स भी बनाते हैं सो डैट कि उनके लिए फ्लाई करना ईजी हो.